हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों जो आपकी नाइन्थ क्लास की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की और वर्कशीट नंबर है सेवेंटी सिक्स और डेट है तेईस एक दो हज़ार इक्कीस तो इसका जो पार्ट है पार्ट दो है और भारत का भौतिक स्वरूप तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आइए पहले क्वेश्चनों को वर्कशीट के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इनके आंसर करेंगे बच्चों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है दो आप क्या है प्रश्न दो कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था प्रश्न तीन खालिस्तान दे रखा है नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है प्रश्न चार कवरती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है सही या गलत बताइए प्रश्न पाँच उत्तरी सरकार क्या है प्रश्न छायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है प्रश्न सात मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए प्रश्न आठ है आपका भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए प्रश्न नौ है भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को उसके प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है पांच उदाहरणों के साथ जो है इस कथन को न्यायोचित ठहराना है आपको क्वेश्चन नंबर जो टेन है दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें तो कुछ प्रश्न नीचे दे रखे हैं वो इस अनुच्छेद में से दे रखे हैं जो ये अनुच्छेद आपको दे रखा है तो इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है हमें प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियाँ विस्तार हैं संकीर्ण माने पतली यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है इस मैदान के तीन भाग हैं तट के उत्तरी भाग में कोंकण मुंबई तथा गोवा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है ये इस तरीके से जो प्रायद्वीपीय भारत का बनता है नक्शा उसमें इधर से यहाँ ये गुजरात आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका होता है मुंबई तथा गोवा यानी कि उत्तरी भाग का कोंकण, और जो है सबसे जो उत्तरी का मतलब है बच्चों ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण लेकिन है ये कौन सा हिस्सा ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी हिस्सा ये पूर्व है भारत का और ये पश्चिमी हिस्सा है भारत का और ये जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तीन भागों में इन्होंने बोला है इस तरीके से पहला दूसरा और तीसरा तो इसमें इस मैदान के तीन भाग हैं तट के उत्तरी भाग में कोंकण यानी कि उत्तरी भाग और मध्य भाग ये जो है इसको बताया है इन्होंने ये है कौन सा मालाबार और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है जो बंगाल की खाड़ी है आपकी वो आपकी इधर है तो इधर इस इन्होंने और जो ये एक तीसरा और इन्होंने बताया है कि मध्य भाग को कन्नड़ ये जो है कन्नड़ आपका हो जाएगा मध्य और जो दक्षिणी भाग है दक्षिणी भाग मतलब सबसे लास्ट का इसको आप मालाबार तट बोलेंगे तो बंगाल की खाड़ी जो है वो आपकी इधर है इस साइड क्योंकि इधर बांग्लादेश है और इधर जो है आपका ये कौन सी है ये आपका इधर अरब सागर है तो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान एवं समतल है उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है तो दक्षिणी भाग आपका ये है ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल, और ये जो है हिस्सा ये आपका हो जाएगा उत्तरी सरकार का बड़ी नदियाँ जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है तो आइए प्रश्न एक है जो इसका मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है प्रश्न दो भारत के दो समुद्र तटीय मैदानों के नाम लिखिए प्रश्न तीन कोई दो नदियों जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए प्रश्न चार समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए तो आइए अब इनके जो आंसर हैं वो देखते हैं हम जो पहला प्रश्न था आपका दो आप क्या है उत्तर दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहा जाता है दो का मतलब यानी दो और आपका मतलब होता है बच्चों पानी से उसके बाद प्रश्न दो है कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका का यानी उत्तरी अमेरिका प्रश्न तीन जो खालिस्तान है नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी लोनी नदी प्रश्न चार कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है सही या गलत बताइए तो ये सही है प्रश्न पाँच उत्तरी सरकार क्या है उत्तर है पूर्वीय तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है प्रश्न छः है सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है उत्तर देखेंगे सहायक नदी हेडिंग डाल करके आगे लिखेंगे बच्चों उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में जाकर मिलती है जैसे यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है नेक्स्ट है जल वितरिका नदी निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति और शक्ति कम हो जाती है और नदी मार्ग में गाढ़ जमाव के कारण नदी कई भागों में बट जाती है जिसे जल वितरिका कहते हैं प्रश्न सात मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं पॉइंट टू यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है उसके बाद पॉइंट थ्री है इसका प्रश्न सात का उत्तर जो है यह भाग पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में सकरा है और फोर्थ ऑप जो इसका नंबर है वो है यह है भाग कठोर आदि ने तथा अवसादी सेलों से बना है यह है भाग कठोर ये आग्नेय होगा आग्नेय तथा अवसादी सेलों से बना है प्रश्न आठ है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए तो उत्तर है इसका उत्तरी भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है इस मैदान का निर्माण सिंधु और गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है अब ये देखिए ये बोला गया ना उत्तरी मैदान का भाग हिमालय के दक्षिण में है तो हिमालय का दक्षिण क्या होगा हिमालय है आपका यहाँ यहाँ इस तरीके से आता है ना हिमालय तो इसका दक्षिण भाग क्या होगा ये नीचे वाला हिस्सा होगा दक्षिण भाग उसको बताया गया है उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है इस मैदान को सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भी कहते हैं यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और अत्यधिक उपजाऊ है उपजाऊ मिट्टी पर्याप्त जल की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ घनी आबादी बसी हुई है इस मैदान को तीन भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से मैदान हैं पहला है सिंधु का मैदान दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान प्रश्न नौ है भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को उसके प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है पांच उदाहरण देने हैं आपको और इस कथन को न्यायोचित ठहराना है तो उत्तर है आपका भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है यहाँ से सदावाहिनी नदियाँ निकलती हैं यह है प्रदेश वन तथा वन्यजीव संपदा में धनी है सदावाहिनी मतलब जिनमें हमेशा पानी रहता है जो सदा बहती रहती हैं। फिर उसके बाद है भारत के उत, और इसका जो पॉइंट टू है उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा हुआ है यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना कृषि के अत्यधिक उपयुक्त है तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है पॉइंट फोर थार के मरुस्थल को अधात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है Five, तटीय मैदान कृषि मछली पालन तथा समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है तटीय मतलब जो समुद्र तट के किनारे का मैदान है तो वो कृषि के लिए और मछली पालन तथा समुद्री जो व्यापार है उसके लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न दस जो है वो अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें देने हैं तो अनुच्छेद आपका वर्कशीट में दे रखा था तो उसी के अनुसार हमने यहाँ प्रश्नों को सॉल्व किया है मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है उत्तर है कोकण तट फिर है अगला क्वेश्चन भारत के दो समुद्रीय तट तटीय मैदानों के नाम लिखिए तो पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री है ये कोई दो नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम गोदावरी तथा कृष्णा नदी और फोर्थ क्वेश्चन है आपका समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए और उत्तर है इसका समुद्र तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त हैं तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी